हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ नायरा सूट, जिसके लिए मैंने लिया है 5 मीटर रियॉन का कपड़ा। और वही मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे रखनी है ये नायरा सूट में जो चोली होती है, वो उस चोली को कटिंग कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने रखा है 15.5 इंच का, और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 18 इंच की। हमें तैयार रखनी है तो उसके लिए दो दो इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो मैं 20 इंच पर निशान लगा देती हूँ। अब इस निशान को सीधा सीधा इस निशान के नीचे तक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाऊँ। इसकी कटिंग मैंने कर ली है, अब इसको फोल्ड कर देते हैं। का शोल्डर मुझे रखना है 7.5 इंच का। इसका आर्म होल रखना है 7 इंच का। यहाँ पे भी ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। आर्म ये मुझे चेस्ट रखना है 9 इंच का। यहाँ पे मुझे रखना है 8.5 इंच का कमर है। इसको इस लाइन से मिला देते हैं। यहाँ पे भी मैं गोलाई दे देती हूँ 1 इंच पे। गला मैं रख रही हूँ 3 इंच का। इसकी चौड़ाई 3 इंच की रख रही हूँ। गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आगे का अलग रखना है, पीछे का अलग रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है, वो मैं निशान लगा देती हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं नीचे का दिखाती हूँ, घेरा कैसे करते हैं, कैसे उसके निशान लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे का घेरा बनाने के लिए, ये मेरे कपड़े में जितनी लेंथ चौड़ाई थी वो मैंने सारी ले ली है। 44-43 इंच है इसकी चौड़ाई, और मुझे इसकी लंबाई मैंने 15 इंच की चोली रखी है, और 30 इंच का मैंने घेरा रखा है। मुझे 42 इंच की लेंथ चाहिए कुर्ती की बनने के बाद। और इसमें प्लेट्स पड़ती हैं इस तरह से इसमें प्लेट्स पड़ेंगी, इसलिए ये फिटिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काट लिया है, इसको अलग रख देते हैं। अब मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा रख लिया है, लंबाई मुझे रखनी है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और 1/2 इंच इधर भी मैंने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद ये हमें मोहरी, यहाँ पे मुझे 4.5 इंच की लेनी है, तो मैंने ये 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी बाजू में थोड़ी डिजाइन वाली बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच, 4 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी, और इस तरह से यहाँ पे
ये ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे मैं ये शेप दे देती हूँ। और उसके बाद ये 4.5 इंच जो यहाँ पे था, इसको यहाँ से मैं इसी 4.5 इंच पे, और ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है एक्स्ट्रा का। ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है कपड़ा, ये निशान मैंने लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बाजू की कटिंग हो चुकी है, अब बढ़ते हैं सिलाई मशीन की ओर। अब आपको सिलाई दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ, जो मैं ये पट्टी लगा रही हूँ, यहाँ पे ये पट्टी लगा रही हूँ, ये मैं पूरे पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके दोनों तरफ मैं ये लेस लगा रही हूँ, इधर भी और इधर भी। चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे, पूरे में लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो। अब इन दोनों पार्टों को जोड़ लेते हैं। ये शोल्डर यहाँ पे हैं, इन दोनों शोल्डरों को आपस में जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं दोनों। अब मैं इनमें गले में पट्टी लगा देती हूँ, उसके लिए मैं पट्टी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने गले की पट्टी की कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से रखिए, पूरे गले पे थोड़ी थोड़ी सी मार्जिन लेके पूरे गले पे लगा देना है इस पट्टी को। इसी तरह से मैं पूरे गले पे लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गला हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बाजू जोड़ लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू है, ये आगे की मैंने मुहरी मोड़ ली है। अब ये डिजाइन मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने कट लगाया था वहाँ से मुझे प्लेट्स डालनी है इस तरह से, जैसे नॉर्मल प्लेट डाली जाती हैं प्लेट्स, वैसे ही डालनी है। इसमें भी कुछ और नहीं करना है, बस ध्यान रखना है आपको कहाँ से प्लेट्स कहाँ तक डालनी है। ये इसका सेंटर है, और फिर इधर से इधर की ओर डालनी है। ये जो कट लगा है यहाँ तक प्लेट्स डाल लेनी है। ये मैं प्लेट्स डाल लूँ फिर आपको दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके कुछ इस तरह से आई है। ये हो गया पीछे का, ये हो गई मोहरी। अब मैं इसको अटैच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है, इधर भी। ये मेरी बाजू हो गई। मैं नीचे का घेरा आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चोली वाला पार्ट है, और ये हमारा कपड़े का पार्ट है। नीचे का जो घेरा है, इस घेरे को इस तरह से प्लेट्स डालनी है, इसके ऊपर रख लेना है। आधा आधा इंच की प्लेट्स बना देनी है इस तरह से, जैसे नॉर्मल प्लेट्स बनती हैं वैसे ही बनाना है। इसी तरह से पूरे पूरे पार्ट में ये प्लेट्स बना देनी है, जितना भी हमारा कपड़ा है ये पूरा प्लेट्स में आ जाए इस तरह से बना देनी है। ठीक है, मैं पूरा बना लूँ फिर आपको दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स मैंने पूरे पार्ट में बना ली हैं। अब मैं इसकी फिटिंग कर देती हूँ, फिटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फिटिंग मैंने कर दी है। अब इसके चाक बना लेती हूँ। चाक जैसे नॉर्मल कुर्ती में बनते हैं वैसे ही इसमें भी बनते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता।
इस तरह से इसको इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे चारों में। चारों में पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। अभी इसमें यहाँ पे बटन रह गए हैं लगाने को, ये मैं बटन मंगा लूँगी फिर लगाऊँगी।